हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेक्चर है वेरिफिकेशंस एंड वैलिडेशन। उसका शॉर्ट फॉर्म है VNV। ओके, तो हम क्या देखने वाले हैं आज के लेक्चर में, ओवरव्यू उसका देख लेते हैं। VNV मीन्स वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन इन द अर्लियर स्टेज ऑफ द लाइफ साइकिल। सेकेंड, प्रिपेयरिंग फॉर VNV। ठीक है। थर्ड, व्हाट इज़ अ वेरिफिएबल रिक्वायरमेंट, उसकी रिक्वायरमेंट क्या क्या है वो आज के लेक्चर में हम देखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज़ VNV? फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, अभी मैंने आपको बताया। वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन, तो दोनों का डेफिनेशन है, यहाँ पे देख लेते हैं। वेरिफिकेशंस का मतलब क्या है? द प्रोसेस ऑफ एस्टेब्लिशिंग द ट्रूथ, एक्यूरेसी और वैलिडिटी ऑफ समथिंग, इट्स कॉल्ड वेरिफिकेशन। आप कुछ वेरीफाई कर रहे हो जो प्रोसेस में ट्रूथ है, एक्यूरेसी है और वैलिड है, उसको हम बोलते हैं वेरिफिकेशन। मीन्स वेरीफाई, जो सही तरह हम वेरीफाई कुछ करते हैं प्रोसेस में, इसको हम वेरिफिकेशन बोलते हैं। ये डेफिनेशन है गूगल में से लिखी हुई, ठीक है। गूगल डेफिनेशन है, इसलिए ये डेफिनेशन आपको परफेक्टली याद रखनी है, बिकॉज हर जगह पे अलग अलग डेफिनेशन है वेरिफिकेशन और वैलिडेशन में। हम यहाँ पे जो वैलिडेशन देखेंगे, वो डेफिनेशन जो देखेंगे वो यही है हमारी वेरिफिकेशन की, ठीक है। तो आपको इस तरह याद रखना है, द प्रोसेस ऑफ एस्टेब्लिशिंग द ट्रूथ, एक्यूरेसी और वैलिडिटी ऑफ समथिंग, ठीक है। फिर है हमारा सेकेंड वैलिडेशन। वैलिडेशन किसको बोलते हैं? द एक्शन ऑफ चेकिंग ऑफ प्रूविंग द वैलिडिटी और एक्यूरेसी ऑफ समथिंग। हम यहाँ पे कोई एक्शन ले रहे हैं जिसको हम कुछ चेक कर रहे हैं, जो वैलिड है कि नहीं, वो प्रूफ है, एक्यूरेस है कुछ समथिंग, वो चेक करने के लिए यहाँ पे हम उसको बोलते हैं वैलिडेशन, ठीक है। VNV। वेरिफिकेशन का मतलब क्या है? वेरिफिकेशन मतलब जो ट्रूथ, एक्यूरेसी और वैलिडिटी होती है, उसको बोलते हैं हम वेरिफिकेशन। वैलिडेशन किसको बोलते हैं? द एक्शन ऑफ चेकिंग द प्रूविंग प्रूविंग द वैलिडिटी और एक्यूरेसी ऑफ समथिंग, इसको हम बोलते हैं वैलिडेशन, ठीक है। ये है हमारा VNV डेफिनेशन, देख लो। ओके, अब उसको थोड़ा थियोरिकल देख लेते हैं। व्हाट इज़ वेरिफिकेशन? मीट द स्पेसिफिकेशन लेवल रिक्वायरमेंट्स। तो यहाँ पे क्या है कि आपको जो कस्टमर या यूज़र से की जो रिक्वायरमेंट्स है, उसको आपको स्पेसिफिकेशन करना है। मीन्स उसको स्पेसिफाई करना है कि उसकी उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, उसको वेरीफाई करना है आपको। सेकेंड, प्रूफ दैट द सॉल्यूशन डिपेंडेंट रिक्वायरमेंट आर सेटिस्फाइड। जो आप उसकी रिक्वायरमेंट की जो सॉल्यूशन आप प्रूफ कर रहे हो, वो रिक्वायरमेंट सेटिस्फाइड है उसको कि नहीं है, वो आपको प्रूफ करना है, ठीक है। फिर थर्ड, प्रूफ दैट सॉल्यूशन वॉज और इज़ बीइंग बिल्ड अकॉर्डिंग टू अग्री रिक्वायरमेंट्स। उसकी जो सॉल्यूशन आपको प्रूफ करने हैं, वो एग्री रिक्वायरमेंट, उसकी जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से आप एग्री है, अकॉर्डिंग टू वो हिसाब से आपको प्रूफ करना है उसके सॉल्यूशन, तभी वो वेरीफाई होगा, उसके बिना वेरीफाई नहीं होगी रिक्वायरमेंट। तो आपको वेरिफिकेशन थियरिकल में पढ़ना हो, आगे वाले जो स्लाइड में था वो डेफिनेशन था, यहाँ पे थोड़ा थियरी है, फिर से देख लेते हैं। व्हाट इज़ वेरिफिकेशन? मीट स्पेसिफिकेशन लेवल रिक्वायरमेंट्स, उसकी जो लेवल है उसको स्पेसिफाई करना है आपको रिक्वायरमेंट की, कस्टमर या फिर यूज़र हो। फिर सेकेंड है, प्रूफ करना है उसके रिक्वायरमेंट सेटिस्फाई है या नहीं। फिर जो थर्ड है वो अकॉर्डिंग द एग्री रिक्वायरमेंट, वो एग्री है रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो आपको सॉल्यूशन लाना है उसका, इसको बोलते हैं हम वेरिफिकेशन, ठीक है। सेकेंड, व्हाट इज़ वैलिडेशन? वैलिडेशन क्या है? वैलिडेशन मीन्स रिलेट टू कस्टमर एंड अदर स्टेक होल्डर सेटिस्फेक्शन। कस्टमर एंड स्टेक होल्डर को सेटिस्फेक्शन होना चाहिए, उसको बोलते हैं वैलिडेशन रिलेटेड।
मीन्स आप कोई कस्टमर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप कोई सिस्टम या सॉफ्टवेयर क्रिएट कर रहे हो उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, वो रिलेटेड होना चाहिए स्टेक होल्डर के साथ, और सेटिस्फेक्शन होना चाहिए कि वो परफेक्टली वर्कआउट कर रहा है या नहीं कर रहा है, वैलिड होना चाहिए कि आपने जो सिस्टम या सॉफ्टवेयर जो बनाया है रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो वैलिड होना चाहिए कस्टमर और स्टेक होल्डर के साथ, ठीक है। सेकेंड है प्रूफ सॉल्यूशन डिपेंडेंट रिक्वायरमेंट आर बीइंग सेटिस्फाइड, जो सॉल्यूशन आपने दी है वो रिक्वायरमेंट के हिसाब से सेटिस्फाइड होना चाहिए, कस्टमर ने जो रिक्वायरमेंट दी है उसी हिसाब से उसको सेटिस्फाई करना है, उसके हिसाब से आपको प्रूफ करना है सॉल्यूशन, ठीक है। थर्ड वन यूजली परफॉर्म एट द एंटरप्राइज और सिस्टम लेवल, नॉर्मली जो आपका सॉफ्टवेयर है आपका सिस्टम है वो परफॉर्म होना चाहिए एंटरप्राइज या फिर सिस्टम लेवल के वहाँ ही ये सब परफॉर्म होना चाहिए, बिकॉज़ ये हमारा वैलिडेशन सेक्शन है, ठीक है। फिर फोर्थ इन प्रोसेस वैलिडेशन हेल्प इंश्योर सिस्टम विल अन मेटली बी पार्ट ऑफ द एक्सेप्ट सॉल्यूशन इन द टारगेट एनवायरमेंट, ठीक है। यहाँ पे क्या है कि वैलिडेशन यहाँ पे हेल्प कर रहा है, सिस्टम विल बी अल्टीमेटली पार्ट ऑफ द एक्सेप्ट सॉल्यूशन, तो यहाँ पे जो आप अल्टीमेटली जो सॉल्यूशन दे रहे हो टारगेट जो है कस्टमर का, वहाँ पे ये वैलिडेशन हेल्प होगा, क्यों? बिकॉज यहाँ पे कस्टमर के साथ आपका सिस्टम आपका सॉफ्टवेयर रिलेटेड है, प्रूफ करना है आपको, सेटिस्फाई करना है सॉल्यूशन के हिसाब से, तो ये सब चीज़ अल्टीमेटली ये आपको हेल्प करेगी प्रोसेस द वैलिडेशन में। तो ये था हमारा फोर्थ टॉपिक, या फिर ये फोर्थ जो हमारा जो था वो थियरिकल व्हाट इज़ वैलिडेशन में, ये आपको फोर्थ टाइप्स ये याद रखने हैं आपको थियरिकल, ठीक है। फर्स्ट था वेरिफिकेशन एंड सेकेंड है वैलिडेशन VNV। अब है सिस्टम इंजीनियरिंग ड्यूरिंग द डिज़ाइन फेज, डिज़ाइन फेज के हिसाब से किस तरह सिस्टम इंजीनियरिंग यहाँ पे होती है, लाइक रिक्वायरमेंट एनालिसिस। रिक्वायरमेंट एनालिसिस मीन्स कस्टमर या फिर यूज़र की जो रिक्वायरमेंट है वो आपको एनालाइज करनी है, किस हिसाब से आप उसको डिज़ाइन करोगे, किस हिसाब से उसको कोड करोगे, उसको एनालाइज करना है रिक्वायरमेंट, फिर वो रिक्वायरमेंट जाएगी सिस्टम एनालिसिस एंड कंट्रोल में, वो उसको कंट्रोल कैसे करते हैं। फिर यहाँ पे फंक्शनल एनालिसिस और अलोकेशन लिखा है, ये सब जो चीज़ है वो आपको याद रखनी है, रिक्वायरमेंट एनालिसिस टॉप डाउन प्रोसेस में आएंगी, बेस्ट यूज़ फॉर क्लासिकल सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। फिर यहाँ पे मिडल और में है जो बेस्ट यूज़ फॉर आर्किटेक्चर डेवलपमेंट, और जो बॉटम है वो है रिवर्स इंजीनियरिंग, ये चीज़ आपको याद रखनी है टॉप डाउन मिडल आउट और बॉटम अप, और जो लास्ट में वो है सिंथेसिस, ये आपको याद रखना है कहाँ से आएगा वो फंक्शनल एनालिसिस एंड अलोकेशन के बाद। तो हर चीज़ एक दूसरे के साथ जॉइंट है, तो किस तरह ये डिज़ाइन फेज है हमारा वो आपको याद रखना है टॉप डाउन मिडल आउट एंड बॉटम अप, ठीक है, ये ड्रो आपको याद रखना है। कौन सा कहाँ पे यूज़र आपको याद रखना है, टॉप डाउन कहाँ यूज़ हो रहा है, बेस्ट यूज़ फॉर द क्लासिकल, फिर मिडल आउट आर्किटेक्चर डेवलपमेंट एंड बॉटम अप रिवर्स इंजीनियरिंग में, तो ये सब चीज़ आपको याद रखनी है, ठीक है। अब है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड रिक्वायरमेंट्स, अच्छी रिक्वायरमेंट कस्टमर्स की जो कैसे आती है वो कैरेक्टरिस्टिक्स उसके हैं, तो ईच इंडिविजुअल रिक्वायरमेंट शुड बी, यहाँ पे सारे के सारे रिक्वायरमेंट्स के टॉपिक्स यहाँ पे लिखे हुए तो आपको याद रखने हैं। फर्स्ट करेक्ट डिस्क्राइब द यूजर थ्रू इंटेंट एंड इज अ लीगली पॉसिबल, जो कस्टमर है वो आपको यहाँ पे रिक्वायरमेंट जो दे रही है वो परफेक्टली करेक्ट होनी चाहिए, उसके इंटेंट के हिसाब से ट्रू होनी चाहिए और लीगली पॉसिबल होनी चाहिए रिक्वायरमेंट।
उसको बोलते हैं फर्स्ट करेक्ट, फिर सेकंड है कंप्लीट। कंप्लीट का मतलब है एक्सप्रेस अ होल आइडिया, उसके जितने भी आइडिया है रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से वो कंप्लीटली एक्सप्रेस होने चाहिए। मींस उसको जितनी भी रिक्वायरमेंट है वो परफेक्टली, उसके पास जितने भी आइडियाज़ है वो सब कंप्लीटली आपके पास रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से हो जाने चाहिए। द सेकंड टॉपिक है कंप्लीट। थर्ड है क्लियर, अनएम्बिग्यूज एंड नॉट कंफ्यूजिंग। यहाँ पे क्या है कि आप यहाँ पे एरर, अनएम्बिग्यूज मीन्स कुछ एरर या फिर यहाँ पे कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। क्लियर और कट बात होनी चाहिए रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो चाहिए उसको हिसाब से, यहाँ पे कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए हम यहाँ पे थर्ड टॉपिक है क्लियर। फोर है कंसिस्टेंट, नॉट इन कॉन्फ्लिक्ट विद अदर रिक्वायरमेंट। दूसरी कोई रिक्वायरमेंट के साथ कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पे करना नहीं है, ठीक है। तो सबकी रिक्वायरमेंट्स डिफरेंस है यहाँ पे, एक दूसरे के साथ ज्वाइन नहीं करनी है, नॉट इन कॉन्फ्लिक्ट। फिर है वेरीफेबल, मीन्स सिस्टम मीट्स द रिक्वायरमेंट्स, तो प्रूवेबल होना चाहिए जो हमने आगे वाले थियरी में देखा। यहाँ पे वेरीफेबल में कॉस्ट, उसके शेड्यूल्स, किस हिसाब से रिक्वायरमेंट्स दे रहे हो, किस हिसाब से आप इसको मीट कर रहे हो, वो सब यहाँ पे लिखना है। फिर ट्रेसेबल, यूनिकली आइडेंटिफाई होना चाहिए। एबल टू ट्रैक क प्री डोसेसर एंड सक्सेसर लाइफ साइकिल आइटम एंड ऑब्जेक्ट, यूनिकली आइडेंटिफाई है या नहीं वो आपको यहाँ पे चेक करना है कि जो कस्टमर रिक्वायरमेंट दे रहा है वो यूनिकली आइडेंटिफाई है या नहीं। फिर है फिसेबल, इम्प्लीमेंट विद एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी विद इन द कॉस्ट एंड शेड्यूल। यहाँ पे क्या है कि आपको इम्प्लीमेंट करना है एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी में विद इन कॉस्ट या फिर शेड्यूल के हिसाब से, ये सब चीज़ यहाँ पे फेसेबल में करना है आपको। फिर मॉड्यूलर, कैन बी चेंज विदाउट एक्सक्यूज इम्पैक्ट ऑन अदर रिक्वायरमेंट। दूसरी कोई रिक्वायरमेंट के साथ यहाँ पे आपको कैन नॉट, कैन बी चेंजेस विदाउट एक्सक्यूजिव, ठीक है। यहाँ पे कोई चेंजेस करना हो आपको मॉड्यूलर में तो यहाँ पे इम्पैक्ट के हिसाब से रिक्वायरमेंट जो आपको दी है विदाउट रिक्वायरमेंट्स आप कैन बी चेंज कर सकना चाहिए। और लास्ट में जो है डिज़ाइन, डज नॉट इम्पोज स्पेसिफिकेशन सॉल्यूशन ऑन डिज़ाइन, सेज वॉट इंडिपेंडेंट नॉट हाउ। ओके, डिज़ाइन मीन्स क्या कि यहाँ पे सॉल्यूशन के हिसाब से डिज़ाइन डज नॉट इम्पोज स्पेसिफिकेशन सॉल्यूशन यहाँ पे नहीं देना है, बिकॉज यहाँ पे हाउ, यहाँ पे क्या है कि आप डिज़ाइन अपने हिसाब से बना रहे हो, रिक्वायरमेंट्स जो दे रहा है उसके हिसाब से नहीं, अपने हिसाब से डिज़ाइन पहले बनाना है, पहले देखना है कि किस तरह यहाँ पे वर्कआउट हो रहा है, फिर रिक्वायरमेंट दी है वो हिसाब से आपको फिर आगे जाके उसको इम्पोज करना है, ठीक है। बट डू नॉट इम्पोज अ स्पेसिफिक सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन के हिसाब से यहाँ पे इम्पोज नहीं करना है। तो ये सारे के सारे कैरेक्टरिस्टिक्स आपको याद रखने हैं गुड रिक्वायरमेंट्स के, ठीक है। फिर नेक्स्ट, व्हाट मेक अ रिक्वायरमेंट वेरीफेबल। यहाँ पे वेरीफाई कैसे करते हैं हम रिक्वायरमेंटों, नीड टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। फर्स्ट, कैन द रिक्वायरमेंट बी मेट, रिक्वायरमेंट बी मेट बाय एनालिसिस, डेमोस्ट्रेशन, इंस्पेक्शन, मॉडलिंग, सिमुलेशन या फिर टेस्टिंग। रिक्वायरमेंट को इस टेस्ट के लिए भी कर सकता है, तो आपको उसको वेरीफाई करना है कि वो परफेक्टली एनालिसिस वाला है कि मॉडलिंग है, सिमुलेशन है या फिर टेस्टिंग कर रहा है वो, इंस्पेक्शन कर रहा हो, तो सब चीज़ आपको याद रखनी है। तो पहले उसको हमको उसको वेरीफाई करना है, ठीक है। फिर विल द यूज़र एक्सेप्ट द रिजल्ट, यूज़र एक्सेप्ट द रिजल्ट, रिजल्ट एक्सेप्ट कर सकता है यहाँ पे यूज़र जो है वो, तो आपको उसको वेरीफाई करना है कि वो अपना जो रिजल्ट हम दे रहे हैं वो वेरीफाई एक्सेप्ट होगा उसको, यूज़र को वो वेरीफाई करना है। ओवर द वर्ड सच एज एक्सेसिव, सफिशियंट, रेजिस्टेंस इटीसी, मेक द रिक्वायरमेंट क्वान्टिफेबल। यहाँ पे जो रिक्वायरमेंट है वो क्वान्टिफाई होना चाहिए, यहाँ पे अवॉइड करना है जो सच वर्ड्स है वो। इवन सुटेबिलिटी कैन बी क्वान्टिफेबल, यहाँ पे सुटेबिलिटी जो है वो क्वान्टिफेबल होना चाहिए। मीन्स यहाँ पे क्या, ये जो लास्ट वाला जो टॉपिक वो क्या यहाँ पे
डिफाइन हो रहा है कि रिक्वायरमेंट जो आपकी है, जो रिक्वायरमेंट है कस्टमर की, उसको वेरीफाई करना है, तो क्वांटिटी के हिसाब से उसको वेरीफाई करना है, वो सूटेबल है, जो क्वांटिटी दे रहा है उसके हिसाब से सूटेबल है कि नहीं, वो उसको वेरीफाई करना है कस्टमर या फिर यूज़र की रिक्वायरमेंट, वो वेरीफाई है या नहीं है, वो यहाँ पे लास्ट वाले टॉपिक में यहाँ पे दिखा रहा है। ठीक है, तो ये था हमारा व्हाट मेक द रिक्वायरमेंट वेरीफेबल। ठीक है, तो ये सब चीज़ आपको याद रखनी है आज के टॉपिक्स में, वी एंड वी, वेरीफिकेशन एंड वैलिडेशन। और ये है हमारा असाइनमेंट क्वेश्चन जो अटेंडेंस के लिए, तो फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो फुल फॉर्म ऑफ वी एंड वी, एंड सेकंड टू कैरेक्टरी ऑफ गुड रिक्वायरमेंट्स। तो ये दो क्वेश्चन आपको सबमिट करने हैं और उसके हिसाब से आपकी अटेंडेंस होगी। ठीक है, तो ये था हमारा आज का लेक्चर, वी एंड वी किस तरह यहाँ पे हम यूज़ करते हैं, उसकी डेफिनेशंस क्या है, उसका किस तरह हम यूज़ करते हैं। ठीक है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग ड्यूरिंग द डिज़ाइन फेज, ये सब चीज़ आपको याद रखनी है, कैरेक्टर ऑफ गुड रिक्वायरमेंट्स और ये सब चीज़, और लास्ट में हमारा असाइनमेंट क्वेश्चंस।